अगर आप भी YouTube के दिए गए नुस्खों को अपनाते हैं या फॉरवर्ड किए गए किसी स्वास्थ्य वीडियो को अपने जहन में उतार लेते हैं तो हो जाइए सावधान और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम आयुष और आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। आजकल सब लोगों पर YouTube का भूत सवार है। जब देखो वो फोन पर नजरें गड़ाए वीडियो देख रहे हैं। कोई ग्रह नक्षत्र ठीक करने का तरीका सीख रहा है तो कोई कमर दर्द और सिर दर्द से निजात पाने का। यही नहीं, ये सारे लोग सिर्फ वीडियो देखकर खुद पर नुस्खा नहीं आजमा रहे बल्कि परिवार के दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर खुद को ज्ञानी भी बता रहे। ऐसे ही यूट्यूब के नुस्खे का शिकार बना इंदौर का एक व्यक्ति। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति के हाथ में चोट लगी थी। उसे काफ़ी दर्द था। उसने अपने इलाके के एक डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर धर्मेंद्र ने यूट्यूब का सहारा लिया। उसे एक वीडियो मिला जिसमें बताया गया था कि जंगली लौकी का जूस पीने से शरीर से किसी भी तरह का दर्द चला जाता है। धर्मेंद्र खुद जंगल से लौकी लाया, जूस निकाला और पी गया। उसे उल्टी दस्त शुरू हो गए। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना डराने वाली है। वहीं दूसरा मामला पटना से है, जहाँ 11 साल का राहुल अपने स्कूल बैग के वजन से परेशान रहता था। सुबह शाम 8 से 9 किलो का बैग लेकर स्कूल आने जाने में पसीना छूट जाता था। कुछ महीने पहले उसकी गर्दन में बैग के बोझ से अकड़न महसूस हुई। यूट्यूब पर वीडियो देखकर घर पर ही योग करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। बच्चे ने 15 दिन तक बिना किसी देखरेख में शीर्षासन और अन्य एक्सरसाइज की लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह से टेढ़ी हो गई। यूट्यूब या और इंटरनेट वाले ज्ञान से मरीज और डॉक्टर को दोनों को होती है तकलीफ। सुनिए डॉक्टरों की राय। इंटरनेट या यूट्यूब पर बीमारी का इलाज ढूंढना कितना खतरनाक है आपने समझ ही लिया होगा। डॉक्टर कहते हैं कि आजकल हर दूसरा पेशेंट इंटरनेट और यूट्यूब से कुछ ना कुछ देखकर या पढ़कर आता है, फिर वैसा ही सोचता है। हमारी सलाह के बीच में टोक कर हमें ही बताता है कि डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसा पढ़ा था यूट्यूब पर। कई बार तो अपना इलाज भी कर लेते हैं और केस बिगड़ने के बाद हमारे पास आते हैं। डॉक्टर आगे बताते हैं, हम पेशेंट को बीमारी के बारे में जानकारी लेने से मना नहीं करते लेकिन इंटरनेट या यूट्यूब पर मिली जानकारी का अपने तरीके से इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे पेशेंट और डॉक्टर दोनों को परेशानी होती है। कई सालों की पढ़ाई के बाद कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है और बीमारी का इलाज करता है। आप कुछ घंटे में ही एक बीमारी के बारे में कैसे सब कुछ जानकर या समझकर अपना इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर आगे बताते हैं कि हमें इंटरनेट या यूट्यूब पर दिए गए किसी भी नुस्खे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम के साथ। धन्यवाद।